भयंकर है ये, लग ऐसा रहा है। ये देखो, ये देखो, यहाँ से देख रहे हो भाई, कुछ नहीं है नीचे, कुछ नहीं है उस भाई के नीचे। एडवेंचर अनलिमिटेड हो रहा है रन ऑफ कच्छ में। साहब उसको मिलने के चक्कर में वो यहीं से निकले थे, ये और देखो बाइक बीच में छोड़ के चला जा रहा है। पैदल यहीं से भागा था okay. लेकिन उसको यहीं धर लिया था। आओ दादा आओ, ब्रेकफास्ट कराए तुम्हें, धूप बहुत तेज हो गई है। तभी तो मैं वो दो तीन बार होकर पूछा क्या बात है। हाँ इधर ठीक है, राइट पे। हाँ वही तो, किसे चक्कर क्या है कि क्या मिलेगा सर खाने को मिलेगा? क्या मिलेगा? परांठा, आलू परांठा और पोहा। और पोहा, ओके। तो भाई आज का जो पूरा दिन है वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं धोलावीरा को, और आसपास के जो नज़ारे होंगे, जैसे हमने कल भी दिखाया था जो वाइट पैच पड़ा था, तीन चार चीज़ें हैं धोलावीरा में देखने के लिए। एक वुड फॉसिल पार्क है, हाँ? और एक क्लिफ है जहाँ से व्यू दिखता है धोलावीरा का, और एक जो वाइट रन जो हमें दिखा था वो था। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। और अगर हुआ वैसे तो यहाँ से वो चले गए हैं कौन, पिंक फ्लेमिंगोस, फ्लेमिंगोस अगर दिखे तो वो दिखेंगे, दिखे तो दिखाएंगे, तो पेलिकन्स तो दिखेंगे ही शर्ती है। मे बी। तो आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, एडवेंचरस भी होगा, इतना तो श्योर है, क्योंकि जो वाइट है ना, जो वाइट पैच है उसके नीचे है कीचड़, और वहाँ पे हमें बाइक लेके जानी है, तो कुछ मेहनत भी होने वाली है, बहुत ज़्यादा होने वाली है। सो गाइस ब्रेकफास्ट डन, और ये है हमारी कुटिया, रात को हम इसी में सोए थे, और अभी लाइट गई हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तो अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं कि कैसी कुटिया है। और इसका जो रेंट है वो है 999 रुपये विदाउट एसी है, अगर गर्मी में आते हो तो गर्मी आपको ज़्यादा लगेगी, यहाँ पर एसी हट्स भी हैं, तो उसका जो रेंट है वो मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से 400 या 500 रुपये ऊपर होगा। ये है गुजरात टूरिज्म का रिजॉर्ट, जी हाँ कल रात को हम यहीं पर रुके थे, और काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर, पार्किंग वगैरह भी है, काफ़ी सारे रूम्स वगैरह भी हैं, सोलर हीटर भी है, लेकिन अभी जो पब्लिक है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ डक्ट टेप निकाल लो। चलिए आज का जो एडवेंचर है वो शुरू करते हैं। जी हाँ ये चल रहा है गुजरात सफ़रनामा, और आज है मेरे ख्याल से पांचवा या छठा दिन, और अभी हम जा रहे हैं वाइट रन ऑफ कच्छ, जो पैच पड़ा था कल बीच में, और वहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो शूट वगैरह करेंगे, ड्रोन शॉट वगैरह लेंगे। मौसम सही है यार, धूप है लेकिन ठंडक है। चले सर, ओके आगाज़ करिए। चलो जी, जय माता दी। तो जी ये है धोलावीरा गांव, छोटा सा गांव है, और यहीं पर जो गुजरात टूरिज्म का रिजॉर्ट है वो है जिसमें हम ठहरे हुए हैं। ये आ गया धोलावीरा का गेट, हरप्पन सिविलाइजेशन। तो जब धोलावीरा आए थे तो छोटे छोटे गांव बीच में पड़े थे जैसा कि ये है, और इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं बस। ये देखिए एक दुकान ये है छोटी सी जहां से कुछ ख़रीद सकते हैं, बाकी उस साइड कुछ नहीं है जहाँ हम रह रहे हैं। अरे सर क्या हाल चाल? अरे सर बहुत फॉलो किया आपको। अरे क्या बात, बढ़िया भाई, सीधी आज मुलाकात हुई। दादा हाय, दीपक गुप्ता जी व्लॉगर, कसम से एक बात मैं आपको बोलता हूँ, मैंने आपको पहली बार देखा। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, आपको तो लग रहा होगा कि मैं नया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बरसों से आपको। हाय, अरे क्या बात है, हमको तो आपको ढूंढने, हम तो रात को ही आने वाले थे। नहीं रात को स्टोरी डाली थी मैंने, भाई आप दीपक गुप्ता के साथ हो, मैंने कहा नहीं वो वहीं है। आज मिलना हो गया है, हम लोग वीडियो बहुत देखे हैं आपके साथ बनती है। एक मिनट उतारते हैं इसको, वहीं पे चलते हैं ना फिर, वहाँ पे ज्यादा बेटर है, या आप उधर से आ रहे हो? हम लोग सुबह सुबह जाके कल वापस सुबह जाएंगे। ओके सुबह निकलेंगे तो आज।
तो जी ये थे सूरत के कुछ बाइकर्स। जी हाँ, हम सूरत भी जा रहे हैं और वहाँ जाएंगे हजीरा पोर्ट होते हुए, यानी कि रोरो फेरी से। ये आ गए हम वाइट पैच पे, जो कि दोनों तरफ वाइट अभी आपको दिख रहा होगा। इधर है लेक जो कि अभी पूरी तरह सूखी नहीं है, दोनों तरफ नमक ही नमक है, अथाह समंदर है नमक का। और दूर दूर तक अगर आप देखें तो आसमान और धरती यानी कि नमक का समंदर, लेक, वो आपस में मिल रही है। अब देखना पड़ेगा स्पॉट। मेरे ख्याल से ना यहाँ से हम जा सकते हैं इधर, है ना, इधर से घूम के आराम से चला जाएगा बाइक, कोई इशू नहीं होगा। आ जाओ। तो भाई अभी हम जा रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। हवा तेज है तो कंफर्म नहीं है कि मेरी जो आवाज़ है वो ठीक ठाक आएगी कि नहीं, लेकिन बोलते हुए चलते हैं, क्या पता आ जाए। तरफ जा रहे हैं हम और ढूंढेंगे कोई अच्छा पैच जहाँ पर कि पैरों के निशान ना हो और हम वहाँ पर अच्छे से फोटोग्राफी कर सकें, ना कि अंदर धस सके। एक्चुअली ये जो लेक है दोस्तों पूरी सूख जाती है फरवरी के अंदर। अभी क्या है कि यहाँ पर काफ़ी कीचड़ है, ऊपर तो वाइट लग रहा है लेकिन जैसे ही उस पर पैर रखते हैं पैर अंदर धंसता है। और हम ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पर कि बाइक लेके जा सके अंदर। अरे ओ डायनासोर का अंडा टूटा हुआ है, डायनासोर का अंडा तो है मगर इसमें है माल। फ्लेमिंगो का। ओके फ्लेमिंगो का है, फ्लेमिंगो का अंडा। हमने सोचा डायनासोर आ गया, हमें मिल गया। आएगी। पूरा नमक ही नमक है मेरे पैरों के नीचे, सिर्फ नमक नमक और नमक, अल्टीमेट है मैन। हमारे साथ है नवीन भाई और यहाँ पर एक सीन हुआ था। तो नवीन भाई क्या सीन हुआ था? पाकिस्तान वाला भाई यहाँ थी, यानी प्रेमिका ने मड़वा जाता था। ओके तो अभी मुझे गुजराती तो गुजराती तो मुझे समझ नहीं आ रही है, और नरेन भाई थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे। नवीन भाई ये कह रहे हैं कि बीच में 2-3 महीने पहले एक किस्सा हुआ था, दैट इज रिगार्डिंग भाई सोशल मीडिया पे एक अपना बॉम्बे का लड़का था, उसका अफेयर हो गया था किसी पाकिस्तानी लड़की से फेसबुक के थ्रू। ओके और भाई साहब उसको मिलने के चक्कर में वो यहीं से निकले थे, बाइक बीच में छोड़ के चला जा रहा था, पैदल यहीं से भागा था। ओके। लेकिन उसको यहीं धर लिया था बीएसएफ वालों ने। पाकिस्तान है, ये मार्शलैंड है, यहाँ से आइडियली देखा जाए ना तो यहाँ से हार्डली अगर मैं कहूँ ना तो 50 किलोमीटर की रेंज में आपको ये आईबी आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा, इंटरनेशनल बॉर्डर। और फिर वहाँ से आप हाईवे बन रहा है, बड़ा हाईवे, बहुत बड़ा। कहाँ पर? चार लाइन वाला कहाँ पर? बॉर्डर पे। ओके
तो ऐसी कुछ स्टोरीज हैं यहाँ की। और हम हैं धोलावीरा में, धोलावीरा गांव से जस्ट 35 किलोमीटर पहले है। यहीं पर जो नवीन भाई है उन्होंने ये किस्सा बताया, काफी इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान और इंडिया की लव स्टोरी का। हेट स्टोरी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। बहुत आसान होता है फोटो लेना, बहुत ये देखो थोड़ा मोमेंटम बनाओ, तुम्हारा दीपक ये देखो, दादा ने अपनी बाइक फंसा दी। अब पीछे नहीं हो रही है, चलो पूरा का पूरा गा दे यहाँ, देखो चलो खींचो खींचो आजो। बोलो जय माता दी, बोलो और खींचो, चलो चलो 2 3 आ गई, 1 2 बहुत ज्यादा फंस गई, बहुत ज्यादा फंस गई है। बैठना मत दादा इस पर, अभी इधर ना कीचड़ ज्यादा है। कांड हो गया है ना थोड़ा सा। नहीं, एक्सेलरेट बिल्कुल मत करना, और ज्यादा नीचे जाएगी। एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से पकड़ेगा, एक वहां से उठा के इसके ऊपर आ जाएगा, तो अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो देखो जी, एडवेंचर अनलिमिटेड हो रहा है रन ऑफ कच्छ में। इंजन देखो यार, इंजन देखो बिल्कुल सट गया है नीचे, देखो देख रहे हो बिल्कुल नीचे सट गया। और जब तक ये गाड़ी को उठाएंगे नहीं, तब तक मतलब बाहर निकलेगी नहीं है। बाहुबली उठा सकता। फाइनली बाइक को उठा के बाहर निकाला है, सांस फूल गया। 5 बंदे लग गए, 5 धक्के के साथ जाएगी, धक्के के। हाँ चलो चलो चलो। सी गाइस, जूतों की हालत, पूरे नमक में धस गए थे। सी ये देखो, यहाँ पे चल रहा है जूते धोने का मिशन, खराब हो जाएंगे सर। बस अमरापुर, अमरापुर रामदेवपुर की जगह, अपने धोलावीरा से कुछ 34 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो भाई इतना एडवेंचर करने के बाद अपनी तो हालत हो गई थी टाइट। क्यों सर? मजा बहुत आया, लेकिन थक भी गए, क्योंकि नमक के उसमें थे तो कीचड़ पे, कीचड़ पे, और नमक इतनी रोशनी थी, नमक की वाइट की, खुली नहीं रही थी, थकान हो गई थी बिल्कुल, तो छांव चाहिए थी नीम तले। तो एक भाई हमें मिले जिनकी की दुकान थी, तो वहाँ से पानी वगैरह पी रहे थे, तो भाई ने ऑफ़र किया कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है, उनकी है एक्चुअली, तो नीम के पेड़ लगे हुए हैं, उन्हीं का घर है ये, एक मंदिर है पीछे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, भाई पानी दे रहे हैं, हम अपने जूते वगैरह धो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, कीचड़ में लथपथ हो चुके हैं, बाइक गंदी हो गई है, हमारे जो कपड़े हैं वो तक सन गए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस तो चमका है। हाँ, बिल्कुल जूते, लेकिन एक्सपीरियंस एक नंबर था, एक नंबर। फोटोग्राफ्स आप जाकर देखिएगा इंस्टाग्राम पे, आपको बहुत मजा आएगा, धमाका ही धमाका, धमाका ही धमाका। देखो भाई लोकल्स कितनी आओ भगत करते हैं, गुजरात में चाय पिला रहे हैं अपने घर की, क्या बात है, मजा आ गया। आपका नाम क्या है? खेंगर भाई। खेंगर, खेंगर भाई, भाई खेंगर भाई, ओके। चलो काकी से मिलाता हूँ, काकी से एक मिनट। डरेंगे डरेंगे, अरे भाग जाएंगे। राम 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 सत, बरो बरो बरो, कैसा चल रहा है? बैठा जो बैठे हो अभी। अच्छा, कुछ कोई गाना वगैरह आता आपको? भगत गए, कोई सा भी, कोई सा गीत, कोई गीत, कोई गीत नहीं, कोई गीत नहीं आता, नहीं लोकल, कोई फोक सॉन्ग
कुछ भी नहीं आता आपको आता है उसको आता है उसको एक्चुअली क्या एक्चुअली क्या यहाँ पर लोग शर्मा बोत रहे हैं लेकिन हमारी काकी बिंदास है बीज और पूनम होती है तो प्रोग्राम भजन रहेगा ओके तो वो हारमोनियम है वो बजाते हैं तो पूनम पे रहता है ओके चलो अच्छा बाय बाय बहुत बहुत शुक्रिया चाय पिलाने का गुजराती क्या बोला गुजराती में बोला उसको कम आ रहा है आपको ऐसे लिए वो नहीं समझेगा कम समझेगा आप जो हिंदी में शुक्रिया वगैरह आभार 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 चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया इन सब गांव वालों का पानी पिलाया चाय पिलाई और थोड़ी देर हमने यहां पर मंदिर में रेस्ट किया और अब आपको दिखाते हैं क्लिफ हैंगर। तो भाई यहां का जो रास्ता है ना जल्दी से आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहां पर एक पावर हाउस है और यहां से रास्ता जाता है थोड़ी सी ऑफ रोडिंग आपको करनी पड़ेगी उस क्लिफ हैंगर पर जाने के लिए चले। और हमारे साथ है नरेन भाई जो कि हमें लेके जा रहे हैं सी अरे कहाँ घुस गए भाई ओ भाई साहब ये कहाँ आ गए कुछ नहीं है यहाँ पर और पत्थर पड़े हुए हैं मुझे लगता है आगे ट्रेल नहीं है यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा शायद। क्या बात है क्या बात है दिस इज़ अल्टीमेट ओए होए दिस इज़ गजब 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 गुजरात गजब है। हाँ हाँ वो आसपास ही कहीं पे है रॉक हाँ वो लंबा है यही तो नहीं है नहीं ये तो नहीं है है हाँ वोरा 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 नज़र आ रहा है वहीं पे ले चले क्या बाइक जाएगा देख के आते हैं पहले। मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा वो भी झाड़ियों के बीच में से निकल के। और एक क्लिफ हैंगर जो मैंने बोला था वो वहाँ पर है जस्ट अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ और वहाँ पर लेंगे हम भाई साहब गजब वाली फ़ोटोग्राफ। आओ जी तुम्हें दिखाते क्लिफ हैंगर ओहो हो ज़बरदस्त ये है सीधा भाई नीचे खाई है मुझे डर लग रहा है नीचे जा आगे जाते हुए सही में डर लग रहा है हवा चल रही है ना लेकिन जाते हैं देखते हैं ये देखो ओ मैन व्हाट ए व्यू 360 डिग्री व्यू है पूरा और नीचे देखो सी एक मिनट मैं अभी देखूँ ज़रा गोप्रो में ओहो हो सी कहाँ खड़ा हूँ मैं देखो भाई भाई वहाँ पे खड़ा एक मिनट दिखाता हूँ आपको स्पेस कैसा है इधर से दिखा भयंकर है ये लग ऐसा रहा है ये देखो यहाँ से देख रहे हो भाई कुछ नहीं है नीचे कुछ नहीं है उस भाई के नीचे अलग एक्सपीरियंस है अपने रिस्क पे कीजिएगा देख लीजिएगा भाई अपने हिसाब से कीजिएगा बिल्कुल अगर कॉन्फिडेंट हो वहाँ पे जाने के लिए तभी करना वरना बिल्कुल भी मत करना।
जी अंदर से जो दर्शन है हम आपको नहीं करा सकते, तो बाहर से ही आप देख लीजिए कैसा मंदिर है। बहुत ही शानदार बनाया हुआ है, इतना बड़ा मंदिर शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Te gusta salir y se lo sigo.